हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम राजस्थान इतिहास में मेवाड़ मुगल संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मेवाड़ मुगल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। और किस किस के बीच हुई? जहांगीर और अमर सिंह। मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच हुई? जहांगीर और अमर सिंह के बीच। और कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620 है। अमर सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1597 से 1620 तक। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। अगर पूछा जाए कि संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से किसने प्रस्तुत किया तो हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। संधि के अनुसार राजकुमार करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। करण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। करण सिंह को कितना हजार का मनसबदार बनाया जाएगा? 5000 का। आहाड़ में अमर सिंह की कब्रगाह है। अगर पूछा जाए कि अमर सिंह की कब्रगाह कहाँ है तो आहाड़ में अमर सिंह की कब्रगाह है। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। किसके बीच हुई? जहांगीर और अमर सिंह के बीच। अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी है। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। संधि के अनुसार राजकुमार करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। करण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। आहाड़ में अमर सिंह की कब्रगाह है। अमर सिंह की कब्रगाह कहाँ पर है? आहाड़ में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।